गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा अग्रवाल। आज हम लोग जा रहे हैं मम्मी को सरप्राइज देने। मतलब इस समय बज रहे हैं रात के 9, आज संडे है। हम और ये जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मैंने एक बार भी बोला ये तुरंत रेडी हो गए, चलो चलते हैं। बच्चे घर पे हैं क्योंकि इस समय बच्चों का टेस्ट चल रहा है, तो हम बच्चों को लेके नहीं जा रहे। नेक्स्ट संडे हम बच्चों को लेके जाएंगे और दिन से जाएंगे। और मेरे घर में थोड़ी सी चेंज हो गया है, रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम सब कुछ चेंज हो गया है। मैं वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं काम में इतनी बिजी थी, बट मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। मेरे हस्बैंड वास्तुशास्त्र कुछ ज्यादा ही मानने लगे हैं। वो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग उन्होंने घर को पूरा चेंज कर दिया है, पूरा इधर की चीज उधर शिफ्ट हो गई। मैं घर जाके आपसे जरूर शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। तो बस इस समय तभी चलते हैं हम लोग मम्मी के घर, और बस 2 मिनट में मैं रेडी हुई हूँ। हाँ, चलते हैं। बहुत जल्दी मेरी परी का बर्थडे है 1 अक्टूबर को, तो बस आप देखिएगा जरूर मेरा ब्लॉग परी का। हम लोग हुसैनगंज पहुंच गए थे, अब गाड़ी ये पार्क पे लगा रहे थे। हुसैनगंज के बाहर ये मंदिर है रोड पे ही। हम लोग मम्मी के घर पहुंच गए थे, अब मैं देने जा रही हूँ सरप्राइज। दोनों परी नित्य बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद भाभी ने बनाई थी सिकंजी, क्योंकि हम लोग चाय पी के गए थे और नाश्ता हम लोग ने किया। ये है एंजल का कपड़ा, मम्मी लेके आई है कानपुर से, बहुत प्यारा। ये देखिए एंजल का है ना, और दिखा रहे हैं। और ये इसके साथ मैचिंग ये पैंट है एंजल का। और मम्मी ये रिलायंस से लेके आई है ना। हाँ मम्मी रिलायंस से लाई। एक ये देखिए, ये है नित्या का, कितना प्यारा। ये देखिए, अब आए हैं मम्मी के घर तो सब अपना कपड़ा दिखा रही है। हमारी नानी ने गिफ्ट दिया, बड़ी नानी ने गिफ्ट दिया ना, दादी नहीं, बड़ी नानी। अच्छा, बड़ी नानी। और ये वाव, ये कितना प्यारा है, ये किसका है? मेरा। ये देखिए, ये कितना प्यारा है, वाव। ये तो ब्लैक जींस के साथ बहुत प्यारा लगेगा। बड़ी नानी ने दिया है। एंजल गई थी कानपुर, वाव इतनी शॉपिंग, वूलन टॉप। अरे वाह एंजल, ये वूलन टॉप बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए एंजल की तो इतनी सारी शॉपिंग हो गई। हाँ अच्छा, ये नित्या की है। अरे बाप रे बाप, ये नित्या की है। नित्या बहुत बहुत अच्छी इनकी रंगोली। बुआ है रंगोली, मेरी मामी की बेटी है। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो रंगबाज होली में वो थी, तो बस उसने सब कुछ पसंद किया, बहुत प्यारा पसंद किया, बहुत प्यारा लग रहा है। आइए, हाँ ये नित्या का है भाई, फिर से देखिए, ये नित्या का है। अभी नित्या का नित्या देखिए देखिए। अरे वाह, रंगोली बहुत चीज पसंद किया। ओके, ये किसका है? अरे वाह, ये तुम्हारा देखो, बोलिन बोलिन किस। और ये मेरी छोटी बहन का बेटा है स्वास्तिक, ये उसके लिए मम्मी लेके आई है मेरी। अरे वाह बहुत प्यारा, उसको फिट हो रहा नहीं रहे भैया बड़ा। और कितनी शॉपिंग हुई है। ये भी स्वास्तिक। अरे वाह, ये भी स्वास्तिक का है, मेरी छोटी बहन उसका बेटा है, ये भी उसका है, बहुत प्यारा है। मम्मी ने तो बहुत अच्छी शॉपिंग की है। और ये किसका है? अरे वाह, ये भी एंजल का है। एंजल का वैसे एक नाम और है, श्री राधे। ये है एंजल मेरी। अरे बाप ले बाप, ये भी एंजल का है। और ये जींस किसका है? अरे ये नित्या की जींस है। अरे वाह, तीनों की तो इतनी सारी शॉपिंग हो गई है, मुझे सबसे प्यारा ये लग रहा है। वाह नित्या का
बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ हाँ कैट बनाया, कैट ये देखो म्याऊं करके दिखा दो और डांस करके दिखा दो। अच्छा अभी नित्या फिर से डांस करके दिखाएगी, पहले हम पूरा कपड़ा तो दिखा दे। ओके अभी नित्या फिर, ये देखिए ये बहुत प्यारा है, लगा इन लोगों की तो इतनी सारी शॉपिंग हो गई, अब मैं भी शॉपिंग करूंगी, मैंने तो की थी। अरे वाह, ये मेरा छोटा भाई है हिमांशु, लाडू, हम लोग उसको लाडू भी कहते हैं। उसने ये शर्ट लिया है, कलर बहुत प्यारा है, उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ये। हाँ जब वो पहनेगा तब दिखाएगा। गलत बात है, बच्चों को सामने दिखाएं, लालू को सामने नहीं दिखाएं, बैठाओ यहाँ पे सामने। एक शर्ट ये है, ये भी लिए लालू ने, हिमांशु, हम लोग उसको लालू लालू बोलते प्यार। अरे वाह ये किसकी शर्ट, ये शर्ट भी बहुत अच्छी है, मुझे सबसे अच्छी लग रही। हम दीदी को ले जाएं? हम नहीं चलेंगे। मम्मा के बिना रह लोगी? नहीं। अच्छा डांस, अच्छा डांस कर दो जल्दी से डांस कर दो। अब परी के बर्थडे में नित्या बहुत अच्छा डांस करेगी, हम लोग अपने नित्या का भी बर्थडे बहुत अच्छा करेंगे। पराठा मेरी भाभी और सब्जी क्या बनाई है, ये बनाएंगे पनीर की टेस्टी सब्जी। समय बज रहा है 12, हम लोग ने अपनी भाभी को परेशान किया सरप्राइज दे। भाभी परेशान होंगे? भाभी नहीं नहीं मेरी भाभी पराठा बहुत अच्छा बनाती है, और इस गर्मी है मैंने जुड़ा कर दिया। मैं अपना स्टाइल लेके नहीं आई हूँ, इसलिए खुद हाथ से काम चलाती। नहीं खा लेंगे, हम पैक कर देंगे जीजा के लिए ना, मैं देर रात में खा लेंगे। भाभी जीजा को पैक करके देती हूँ खाना, बिगाड़ के रखे हैं। अब नेक्स्ट संडे आएंगे तो हम लोग सुबह से आएंगे, भाभी बहुत टेस्टी पाव भाजी बनाती हैं, तो हम लोग को वो पाव भाजी खाना है। अभी तो फिलहाल हम लोग परी के बर्थडे की ही पूरी तैयारी चल रही है। रेस्टोरेंट में हम लोग बुफे सिस्टम कर रहे हैं, वो बुक कर दिया गया है, तो 6 बजे से हम लोग जाएंगे वहाँ रेडी होके, तो उस दिन का भी पूरा ब्लॉग मैं डालूंगी। अब मैं जा रही थी डिनर करने, भाभी बना रही थी गर्मा गर्म पराठे, और मैं के जाएगी, वहाँ के खाने का टेस्ट ही अलग होता है, खाना ही अलग लगता है। और जब मैंने सरप्राइज दिया उसके बाद सब बातें होने लगी, खाना बनने में लेट हो गया, और 12 बजे लेट में खाना बन रहा है। एक बज रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर से अपने घर गोमती नगर, हुसैनगंज से गोमती नगर जा रहे हैं। बच्चे सो गए होंगे, मेरे नित्या एंजल आने नहीं दे रही थी, दोनों का बहुत मन था बुआ हम भी चलेंगे, बट नित्या एंजल के बिना नहीं रह पाती, नित्या एंजल हम लोग के साथ आराम से रह लेती है, और नित्या अपनी दीदी के बिना नहीं रह पाती, और नित्या कहती मम्मा आप भी चलो, तो भाभी तो अभी आ नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था, हम लोग अकेले ही जा रहे हैं। अब मिलेंगे बस परी के बर्थडे के दिन हम लोग से, और इस समय बहुत अच्छा लगता है, कोई भी ज्यादा गाड़ियां नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, और रात में कभी भी निकली गोमती नगर में बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादातर जाती थी मम्मी के घर, तो लौटने में इतना ही टाइम लग जाता था, कभी 1 बजे था कभी 12:30, बट मेरी प्रॉब्लम ये हुई जब से मैंने ब्लॉग डालना स्टार्ट किया उसके बाद ही ये कोरोना वायरस फैल गया, तो मेरा जाना भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ मैं लखनऊ में रह के 2 महीने बाद मम्मी के घर गई, तो इसलिए
बहुत कम जाना हो रहा है और फिर इस समय निकलना भी कम हो रहा है घर से। अब मैं ज्यादातर, पहले ऐसा था कि वीक में एक बार मुझे जाना ही जाना होता था, ज्यादातर मैं संडे को जाती थी, ये फ्री होते थे, तो अब मैं फिर से ऐसे ही जाऊंगी, हर संडे को संडे जाएंगे मम्मी के घर। अपने संडे के लिए अभी से मम्मी ने बोल दिया है कि तुम लोग आना। वैसे तो भी बुधवार को, वेडनेसडे को नहीं, थर्सडे को परी का बर्थडे है, उस दिन हम सब लोग मिलेंगे और परी के बर्थडे की ही तैयारी में सब लगे हुए, उसका फर्स्ट बर्थडे है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है परी के बर्थडे के लिए। बस मैं अपना एक छोटा सा वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।